अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को साथ ये चीज़ शेयर करूँगा कि आप अपना फॉलोअर्स किस तरह ज़्याद करेंगे, या लाइक या फॉलोअर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, ये सब चीज़ पर आप अपना लाइक ज़्याद कर सकते हैं आसानी के साथ। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक ऐप के अंदर ये सब चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। देखिए, आप एक यूट्यूबर हैं तो सब्सक्राइब आपके लिए, अगर आप एक टिकटॉकर हैं तो टिकटॉक के फॉलोअर और लाइक आपके लिए, या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या ट्विटर, ये सब चीज़ों में आप अपना लाइक कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आसान काम ये है कि सिर्फ आपने अपना फॉलोअर, अपना अकाउंट वहाँ पर लगाना है। इसके बाद आपके फॉलोअर खुद ब खुद इंक्रीज़ होगा, या लाइक आप चाहते हैं या फॉलोअर कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो आपकी खुद ब खुद इंक्रीज़ होगा। सिर्फ आपने लिंक वहाँ पर पेस्ट करना, इसके बाद वहाँ पर आपने कोई काम नहीं करना, वीडियो वहाँ पर छोड़ो और जब आप रात या एक दिन बाद देखोगे तो आपका फॉलोअर जितना आप चाहे इतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीके से आप ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो चले हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, लेकिन वीडियो बढ़ने से पहले मेरे आप लोगों के साथ ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चले हैं स्टार्ट करते वीडियो, लेट्स गो। तो इसकी सबसे पहले ऐप मैं आपको बताता हूँ, इस पर अपने कवर वीडियो को बनाना है तो सही है, लेकिन नहीं बनाना तो सही नहीं। मैं आपके यहाँ पर देखता ही फॉलोअर्स ऐप देख सकते हैं ये वाले, जैसी है आप इस पर क्लिक, सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, लेकिन मैं इसको इससे नहीं करूँगा, आपको और तरीके बता दूँ। हाँ, तो मैं आ गया यहाँ से टिकटॉक पर। टिकटॉक पर आने के बाद मैं आप लोग को यहाँ से सारी सेटिंग बताता हूँ। यहाँ आपकी वीडियो पर मिलियन में व्यूज़ आना का खदशा है ज़रूर। यहाँ से मैं 3 डॉट पर करता हूँ क्लिक, और यहाँ से मैं प्राइवेसी एंड सेटिंग पर करता हूँ क्लिक। यहाँ पर तो सिंपल से पहले आपने आना है यहाँ पर नीचे लैंग्वेज पर आना है, लैंग्वेज आपने इस ऐप की लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करना है, इंग्लिश तो सही है। और यहाँ से आपकी कहीं परफॉर्मेंस लैंग्वेज है तो मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पर है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर उर्दू है या नहीं, उर्दू है यहाँ पर, मैंने उर्दू सेलेक्ट किया यहाँ से। बस आपने यहाँ से सिर्फ ये काम करना है, इसके बाद आपने यहाँ से आना है, यहाँ से अपने नीचे आना है प्री ऑफ स्पेस। ये ज़रूरी चीज़ है, आपने हर एक हफ्ते बाद ये चीज़ ज़रूर ज़रूर क्लियर करना है, हर हफ्ते बाद आपने यहाँ से ये सारी चीज़ क्लियर करना है। बस आपने यहाँ से ये करना है, आपकी वीडियो पर व्यूज़ और फॉलोअर ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह। आप मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर आ गया 3 डॉट पर एक बार फिर क्लिक करता हूँ, क्रिएटर टूल पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, एनालिटिक्स की ऑप्शन भी यहाँ पर है। एनालिटिक्स पर आप आता है तो यहाँ से आप देखते हैं कि आपकी फॉलोअर या कोई भी कहाँ किस टाइम पर ऑनलाइन है या नहीं। दूसरा स्टेप से कहता हूँ, आप यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि आपकी चैनल UEC वाला है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चैनल की सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा, इंटरनेट का इशू है। अब नीचे मैं आता हूँ, यहाँ फॉर बट एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड हैव लास्ट 10,000 फॉलोअर हैव लास्ट 1 लाख व्यूज़ इन द लास्ट 30 डेज। बट इसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी 1 महीने के अंदर 10,000 फॉलोअर और 1 लाख व्यूज़ आ गया, अब यहाँ से भी ये सारी चीज़ क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को एक दूसरा स्टेप सिखाता हूँ। दूसरा स्टेप ये है कि आपने आना है प्लस वाले आइकन पर, आपने करना है क्लिक। मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ़ोटो पर आता हूँ, फ़ोटो अपलोड करना है तो मैं आके यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करूँगा। एक वीडियो आप लोग को सामने सिर्फ मैं बना है तो कर सकते हैं। मैं आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से मैं एक वीडियो आप लोगों को मिसाल के तौर पर यहाँ से लेना हो तो मेरे ख्याल में ये वाले सही है, तो मैं ये वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा। आप यहाँ पर देखोगे मेरे सामने कि मैं किस तरह से यहाँ से ये वीडियो यहाँ पर लगाऊंगा और आप लोगों को यहाँ से ये सारी सेटिंग सारी सेटिंग सिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं कुछ इसको एडिट करता हूँ,
तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सामने, मैं तो एडिट पर जाता हूँ, इससे कुछ और चीज़ें लगाता हूँ ताकि कॉपीराइट का इशू ना हो। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें करूँगा। तो मैं यहाँ से कोई करता हूँ, मैं किससे करता हूँ, किसकी स्पीड कुछ कर या वॉइस इफेक्ट में इसको करता हूँ कुछ और। आप देख सकते हैं इसकी वॉइस इफेक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सामने ये सब चीज़ें करूँगा लाइव रूप के साथ, ये होगा। तो आप ये देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आपने सेव पर करना है क्लिक, सेव पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसी ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं जो कीवर्ड सेलेक्ट करना हो आपने भी वो कीवर्ड सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टिकटॉक वीडियो ट्रेंडिंग, में यहाँ पर लिखता हूँ, आपने भी बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। मैंने जैसे लिखा तो इसके बाद आपने यहाँ पर हैशटैग लगाना है। मेरे ख्याल में मैं लगा था वो टिकटॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकटॉक आ गया। मैं इसके बाद यहाँ पर कोई और हैशटैग लगाता हूँ, 1 मिलियन में लगाता हूँ, 1 मिलियन में लगाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल में 1 मिलियन, मैंने यहाँ पर 1 मिलियन भी लिखा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉलोअर, फॉलोअर मैंने भी लिखा। बहुत सी चीज़ें आपने लिखना है लेकिन मैं प्रो को कम से कम लिखाता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर कोई मेंशन करना है तो ज़रूर मेंशन करो। मैं यहाँ से कोई मेंशन करूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाले मेंशन किया, इसके फ़ायदा किया है कि आपकी वीडियो जो लोग उसकी वीडियो देखते हैं इसके बाद आपकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने अपना लोकेशन ज़रूर डालना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से डालता हूँ इस्लामाबाद, मैंने इस्लामाबाद डाल दिया। लोकेशन आपने लाजमी डालना है। टैग पीपल, आप यहाँ पर टैग भी लोगों की लगा सकते हैं। मैं इस मिसाल के तौर पर इस लोगों की टैग लगाता हूँ, आपने भी इस तरह की करना है, बस इस तरह की आपने करना है। इसके बाद आपने वीडियो पोस्ट करना है, बस वीडियो आपने पोस्ट करना है। इसके बाद आप अपनी वीडियो की खुद अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना और कितना आपका वीडियो वायरल हो सकता है। इसमें बिल्कुल आपकी वीडियो मिलियंस में जाएंगी, मिलियंस में आपकी वीडियो जहाँ पर मेरा वीडियो अपलोड होगा आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ।